दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने वीवो के मोबाइल का जो स्क्रीन है वो मैंने अपने रियलमी की टीवी के साथ में शेयर कर रखा है, लेकिन अभी जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से आपके पास चाहे वीवो का मोबाइल हो, चाहे सैमसंग का मोबाइल हो, चाहे रियलमी का मोबाइल हो, चाहे रेडमी का मोबाइल हो, चाहे वन प्लस का मोबाइल हो, चाहे ओप्पो का मोबाइल हो, या चाहे आपके पास आईफोन ही क्यों ना हो, यानी आप किसी भी मोबाइल को और किसी भी टीवी के साथ में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपके टीवी के साथ में कोई भी सेटअप बॉक्स या डिश टीवी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको एक बात का और ध्यान देना है, आप जिस मोबाइल का स्क्रीन अपने टीवी के साथ में शेयर करना चाहते हैं उस मोबाइल का इंटरनेट आपकी टीवी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। आपको इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपने टीवी में इंटरनेट जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता तो मैंने उसके लिए पहले से वीडियो बना दिया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरीके से टीवी में इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे टीवी में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपने टीवी में इंटरनेट सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपने मोबाइल में आना है और यहाँ से आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल होम एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन का नाम बता दिया तो बहुत लोग जो इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तभी आप अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आप अपने टीवी के साथ में शेयर करना सीख पाएंगे। उसके बाद में सिंपली आपको ओपन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में सिंपली आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है जहाँ पर सिंपली आपको नोट ना वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। ये गूगल का एप्लीकेशन है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप बेझिझक एक ईमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको ओके कर देना है, उसके बाद में अलाउ नियर बाय डिवाइस का ऑप्शन आता है जहाँ पर सिंपली आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में नोट ना वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में अब समझने वाली बात यहाँ पर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद में सिंपली आपको एंड्रॉयड टीवी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंड्रॉयड टीवी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली आपको कास्ट माय स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, उसके बाद में सिंपली आपको कास्ट स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में सिंपली आपको स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपके टीवी के साथ में शेयर हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो हमारे टीवी के साथ में शेयर हो चुका है।